फोकस रखो। कहते हैं कि नहीं, टीचर्स सब कहते हैं स्कूल में कॉलेज में हर जगह कि फोकस बनाए, कंसंट्रेशन अवेयर रहे, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये चीजें कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, है ना। ये किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में नहीं बताया जाता, लेकिन ये जो फोकस, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, स्टिलनेस, ये आसना से मिलती है। कहीं ऐसा नहीं है कि 100 रुपया लेके जाओ और बाजार में आपको, हाँ जी मुझे कंसंट्रेशन दे दो, मुझे 100 रुपये का, 10 रुपये का फोकस दे दो, कहीं मिलता है क्या? और ये कंसंट्रेशन, फोकस, अवेयरनेस, स्टिलनेस से मिलता है। मन की शांति कहाँ से मिलती है? ये आसना से मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा थोड़ी देर हम आंखें बंद करके बैठते हैं आसनास के बाद, तो क्या हो जाए, एकदम से मन शांत हो जाता है ना? मन की शांति कितनी जरूरी है सही डिसीजन मेकर बनने के लिए, सही फैसले लेने के लिए। हमारी क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, सिंसियरिटी इन एक्शन, ये कैसे आता है? ये इसी योग ध्यान से, मेडिटेशन से आता है। जब थोड़ी देर आसनास के बाद हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और शांत मन ही हमें आगे प्रोग्रेसिव की, प्रोग्रेस की तरफ आगे हमें बढ़ाता है। सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स जो है अंदर, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, उस सबके साथ इस बेगस नर्व का कनेक्शन है कि नहीं? लेकिन हम इस समय स्ट्रेस के कारण, बीमारियों के कारण, परेशानियों के कारण, कितने बच्चे इस समय परेशान रहते हैं, ये है वो, पेपर एग्जाम का स्ट्रेस है, कभी हेल्थ इश्यू है, तो उसके कारण जो हमारी बेगस नर्व है थोड़ी सी दब जाती है, प्रेस हो जाती है ना। अब जैसे जैसे हम आसनास करते हैं उसके बाद हम थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, ये हमारी बेगस नर्व एक्टिवेट होने लगती है, और जैसे जैसे बेगस नर्व एक्टिवेट होती है हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स भी एक्टिवेट होने लगते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि ध्यान, योग ध्यान से हम कैसे स्वस्थ रहते हैं, कैसे हेल्दी रहते हैं, इमोशनली मेंटली कैसे स्ट्रांग रहते हैं, राइट। इसीलिए योग ध्यान को बहुत सारी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दी है, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं हमारे मिनिस्टर, तो इसीलिए हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम अपने स्ट्रेचेस और आसनास की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर एंड अंगूठा थंब मिला हुआ और 3 उंगलियां सीधी अपने नीज के ऊपर रखें, चिन मुद्रा में सिट कंफर्टेबली, आंखें बंद कर लें, शोल्डर ढीले, आराम से बैठे, एक गहरा लंबा सांस लें और आहिस्ता से छोड़ दें। ओम के उच्चारण के लिए एक गहरी लंबी नॉर्मल सांस भरें। One more deep breath in. और गहरा लंबा सांस भरें। Listen to your body. अपनी बॉडी की सुनते हुए करेंगे, जिसमें आनंद आए। थोड़ा सा भी कहीं तकलीफ हो तो उस आसना को, उस स्ट्रेच को स्किप कर दें, ना करें। जितना कर सकते हैं नीज को ऊपर उठाएं, जितना आराम से उठा सकते हैं, हाथ तक पहुंचा लें, घुटने सीधे जाएं ऊपर, नीज साइड से ना जाएं, सीधे आए इस तरह से। करते जाएं साइड पे, थोड़ा सा पैरों को साइड, 2-4 बार आगे, 2-4 बार आगे लगे हैं, 2-4 तोड़ लें आम, तोड़ लें, ढेर लगा लें आम का आराम से, और फिर आहिस्ता से स्लो होते होते स्टिल हो जाएं।
महसूस करें अपनी अपनी श्वासन। आहिस्ता से आंखें खोलें, पैरों को साथ ही रखें, दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को लॉक करें और स्ट्रेच करें अपनी। आहिस्ता से सांस भरते भरते बाजू पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। शोल्डर रोटेट, तीन से चार राउंड कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे, नहीं, बॉडी ब्रेथ माइंड तीनों को लेके चलें। बॉडी ब्रेथ माइंड तीनों की कोऑर्डिनेशन ही योगा है। देखिए ये बॉडी बाजू पेट के ऊपर पर नहीं, एक लेवल, हाथ पैर, एक दो सांस लें, जहां जितना रुक सकते हैं रुके, मुस्कुराते मुस्कुराते फिर विश्राम करें, रिलैक्स आहिस्ता से। दोनों दो तीन बार उल्टा साइकिल चलाएं, हाँ, और फिर पैरों को पकड़कर धनुरासना कर ले। हाँ, दोनों पैरों को पकड़े, थाई को भी ऊपर उठाएं। सात सौ आठ सौ की स्ट्रेंथ है हम इकट्ठे, जो इकट्ठे बैठ के हमने आज योगा किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मिसेस सुमन शर्मा को, जिन्होंने आके हमें योगा और मेडिटेशन के बारे में आप सब लोग को बताया। मेरा मानना है कि योगा हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इसे हमें आगे बढ़ाना है, इसको अपने जीवन में हमें अपनाना है ताकि हम तंदुरुस्त रहें, हम मेंटली और फिजिकली फिट रहें। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप जो यंग लोग हैं, हमारे सबके अंदर में दो एनवायरनमेंट चलते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और हम अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। हमारे बाहर क्या हो रहा है, हमारा सबसे ज़्यादा समय उसमें जाता है, और हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट, जो अपनी मन की बात है, उसको नहीं सुन पाते हैं। तो योगा और मेडिटेशन एक तरीका है, जब आप अपने अंदर की आवाज़ को पहचानते हैं और जब आप अपने अंदर का संचालन ठीक कर सकते हैं तो आपका बाहर का संचालन खुद ही ठीक हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि योगा को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और इसको इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।